छोटे से नासिर अब्बास, इसलिए मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर पीडी सिमेटोलॉजी ऑनकोलॉजी इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ग्रेजुएशन मेरी इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज की है, फिर मेरी फर्स्ट फेलोशिप चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से पीड्स, और सेकंड फेलोशिप शौकत सुनम हॉस्पिटल इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, और NIBD कराची से है हेमेटोलॉजी ऑनकोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इस टाइम मैं आजकल वैसे मैं हेड कर रहा हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर को, और शाम को वैसे मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ हमीद लतीफ हॉस्पिटल में फ्रॉम 8 to 10 PM मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे। डायबिटीज अडल्ट की यूजुअल बीमारी है, बच्चों में नहीं। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सी यूजुअली अडल्ट डिजीज है, इस तरह बच्चों में डिफरेंट बीमारियां आ जाती हैं। ज़्यादातर इन्फेक्शन होते हैं, न्यूनेट्स जो बच्चे हमारे फर्स्ट मंथ में जो पैदा होते हैं उनकी बीमारियां आ जाती हैं। इसके अलावा और कुछ जो जेनेटिक डिजीज होती हैं वो यूजली बचपन में आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि अडल्टहुड में नहीं आती। इसलिए लाजमी था कि पीड्स को बिल्कुल अलग किया जाए। और अब आपने देखा होगा कि वक्त शुरू में पहले जनरल प्रैक्टिशनर होते थे जो सबको डील कर रहे होते थे, लेकिन वक्त के साथ अब तो ये बिल्कुल एक अलग अलग फील्ड्स हो चुकी हैं, क्योंकि डिजीज बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। इसके अलावा उनकी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग हो चुकी है, इसलिए अब ये लाजमी हो गया था कि इसको बिल्कुल अलग कर दिया जाए और पूरी वर्ल्ड वाइड अब ये बिल्कुल एक अलग फील्ड के तौर पर ट्रीट की जाती है। देखिए, एज़ ए पीडियाट्रिशियन तो बच्चों की तमाम बीमारियों को, मसलन उसमें टाइफाइड है, उसमें न्यूनेट्स की बीमारी है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज पैदा हुए होते हैं एस्फिक्सिया के साथ, या उसके बाद जो बच्चों के इन्फेक्शन हैं, बच्चों की उसकी एब्डोमेन की डिजीज़ हैं, चेस्ट की डिजीज हैं, तमाम किस्म की बीमारियों को हम डील करते हैं जनरल पीडियाट्रिशियन। पीड्स सिमेटोलॉजी ऑनकोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट ये चीज़ भी बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको आमतौर पर जनरल प्रैक्टिशनर डील ही नहीं करता। एक जनरल प्रैक्टिशनर कभी भी जो बच्चों के कैंसर है उसको डील नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट बिल्कुल एक जनरल पीड से अलग हो जाती है। इसी तरीके से जो बच्चों के खून की बीमारियां हैं, जिसमें थैलेसीमिया है, जिसमें खून का ना बनना है, खून की कमी है जिसकी बज़ाहिर की वजह समझ ना आ रही हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें खून जम नहीं सकता, बच्चा ब्लीड करता रहता है, अमूमन जनरल प्रैक्टिशनर से डील नहीं करता। और अगर करता भी है तो बाज़ोगत अमूमन गलत लाइन पर चले जाते हैं, क्योंकि जो हम हर चीज़ हर फन वाला हम लोग हो नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने अब जाके देखा कि गैर ज़रूरी बच्चे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं जिस चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अब हेमेटोलॉजी ऑनकोलॉजी ट्रांसप्लांट एक बिल्कुल सेपरेट फील्ड हो गई है, जिसको अमूमन जनरल प्रैक्टिशनर डील नहीं करते, और ट्रांसप्लांट को तो जनरल प्रैक्टिशनर शायद हाथ भी नहीं लगा सकता जनरल प्रैक्टिशनर। लेकिन बच्चों में कैंसर बड़ों की निस्बत बहुत बेहतर रिजल्ट है। उसकी रीज़न यह है कि जब हम ज़्यादा एज के हो जाते हैं तो कैंसर तो है, मगर वक्त के साथ धुआं, हमारे डस्ट चीज़ों की वजह से हमारे हार्ट भी कमज़ोर हो चुके होते हैं, लंग्स भी कमज़ोर हो चुके होते हैं, लीवर भी कमज़ोर होता है, तो बड़ों में रिजल्ट कैंसर के निस्बतन बुरे होते हैं एज कम्पेयर टू बच्चों के। कि अगर बच्चों को फौरन हम इलाज शुरू कर दें तो बच्चों के आपको 90% तक सर्वाइव करने के चांसेस हैं, और जो कि एक शायद टीबी से भी बेहतर रिजल्ट है। मगर उसके लिए लाजमी है कि वक्त पर डायग्नोसिस हो जाए, वक्त पर इलाज शुरू हो जाए, और ऐसी जगह पर इलाज हो जहाँ पर वाकई वो लोग ट्रेंड हैं इस फील्ड के, वो लोग उसके इलाज कर रहे हो। तो बास डिजीज में जो बच्चों के कैंसर है, मोर देन 90% उसके अच्छे रिजल्ट हैं, और बच्चे सर्वाइव करते हैं सारी ज़िंदगी, उनकी शादियाँ सब कुछ ज़िंदगी भर वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बच्चों में खून के कैंसर की वजूहत हो सकती हैं कि जीन्स में हो, मगर सिर्फ एक वजह है, मैक्सिमम अप टू 5 to 10% ये वजह हम कहलाई जा सकती है। दूसरे नंबर पर उसकी यूजली अननोन रीजन है, और वो देखें वो हम लोग जो आज किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम लोग हर वक्त केमिकल खाए चले जा रहे हैं, हमारी खुराक में केमिकल्स मौजूद हैं, हम जहाँ पे सांस ले रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद हैं, हम लोग हमारी जब मदर्स होती हैं, जब प्रेगनेंट होती हैं तो उनके एक्सपोजर हुए चले जा रहे होते हैं, रेडिएशन की एक्सपोजर मौजूद है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि वजूहत बन सकती हैं बच्चों के कैंसर की। लेकिन किसी को ये कहना कि अगर ये कर लोगे तो उसके बच्चों का कैंसर नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है। अब तक हम कोई ऐसी चीज़ पूरी दुनिया में नहीं सर्च कर सके कि हम किसी चीज़ से रोक देंगे तो बच्चों का कैंसर नहीं होगा। हाँ, हम लोग उसकी कम कर सकते हैं कि वो ना हो, मिनिमम कर सकते हैं उसके चांसेस को, लेकिन बिल्कुल रोक देना भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो जिस तरह मैंने कहा कि बच्चों में खून का कैंसर सबसे कॉमन है, और खून के कैंसर की अलामत ये सिंपल होती हैं कि बच्चे का अचानक खून बनना बंद हो गया है, बच्चा पीला नजर आना शुरू हो गया है, उसके जिस्म में नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए हैं, जिस्म पर छोटी छोटी गिल्टियाँ, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और बाज़ोकत कुछ भी नहीं होता। सबसे अहम चीज़ बच्चे का अचानक रंग पीला हो जाना, जो अगर किसी भी शख्स को या किसी के बच्चे को अचानक उसे लगे कि उसका रंग पीला होना शुरू हो गया है, या उसका पेट फूलना शुरू हो गया गैर जरूरी वजह से, या कहीं से भी उसके जिस्म में नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए, तो फौरन उसके लिए वर्कअप कराना चाहिए। और अमूमन खून का कैंसर सिंपल CBC भी पकड़ा जा सकता है, अगर करने वाला और देखने वाला उसको जानता हो कि ब्लड कैंसर क्या होता है। उसकी फैमिली हिस्ट्री में बच्चों के किसी खानदान में किसी बच्चों को कैंसर है, तो फिर ये चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं,
उसमें तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चे की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, उसके खून का टेस्ट अगर जरूरत पड़े उसकी आंखों का टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी की खानदान में पहले कभी किसी बच्चे को कैंसर नहीं हुआ तो हम यूजली एडवाइस नहीं करते कि वो गैर जरूरी तौर पर बच्चे के टेस्ट कराता रहे, उसे बार बार अल्ट्रासाउंड एक्सरे या कोई भी और सिंपल टेस्ट कराने के लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़े। तो नहीं, किसी के डर जहन में डर खौफ नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे को कहीं कैंसर ना हो जाए। अगर उसकी फैमिली में पहले नहीं है तो कोई ऐसा उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना कोई स्क्रीनिंग बार बार बच्चे की करानी चाहिए। तो बड़ों में तो ऑन्कोलॉजी एक अलग चीज़ है, हीमेटोलॉजी अलग चीज़ है। बच्चों में हीमेटोलॉजिस्ट, बच्चों पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो एक खून की बीमारी को भी वो डील करते हैं जिस तरह मैं बच्चों की खून की बीमारियों को भी डील करता हूँ और साथ ऑन्कोलॉजी को भी। ये एक इकट्ठी फील्ड है क्योंकि मैंने बताया कि सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर जो बच्चों का है वो ब्लड कैंसर है और ब्लड मीन्स हीमेटोलॉजी। तो ये बच्चों में तो हम लोग एक ही फील्ड है, एक ही स्पेशलाइजेशन है, एक ही चीज़ है जिसको डील किया जाता है। लेकिन ट्रांसप्लांट समथिंग एक अलग शय है जो कि हर पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। तो वो एक अलग फिर सुपर स्पेशलिटी हम लोगों को अडॉप्ट करनी पड़ती है अगर हम ऐसे करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में थैलेसीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है बच्चों के खून की। वेस्ट के अंदर सिकल सेल है उनके बच्चों में, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर थैलेसीमिया है जो सबसे कॉमन है। सबसे पहले जो प्रिवेंशन, एक ही हल है कि थैलेसीमिया को प्रिवेंट करने का कि वो बच्चा पैदा ही ना हो जिसको थैलेसीमिया है। और उसके लिए अगर पेरेंट्स में से हमें लगे कि जिस स्पेशल जिन खानदानों में थैलेसीमिया की डिजीज़ होती है, हम उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि अपनी टेस्ट पहले करा लें या शादी के फौरन बाद करा लें, या कोशिश करें कि शादी ना हो कि दोनों को थैलेसीमिया की ट्रेट मौजूद है उसके अंदर। लेकिन अगर शादी हो गई है, अब बच्चा उन्होंने करना है डॉक्टर मीन्स कि अगर कंसीव कर लिया है, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, यानी कि 20 वीक्स के ऊपर ही, 12 to 20 वीक्स के ऊपर वो सीरियस एक टेस्ट होता है कि हम लोग जो पैदा होने वाला बच्चा था उसका थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, उसका जेनेटिक एनालिसिस कराते हैं और हम बता सकते हैं कि बच्चों को थैलेसीमिया है कि नहीं। हम फिर अगर ऐसा हो तो फिर हम लोगों ने फतवा वगैरह भी लिए हुए हैं कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने बाद में सिर्फ खानदान के लिए परेशान ही क्या मौजूद बनना और पेरेंट्स हैं बाकी बच्चों को इग्नोर कर देना, सिर्फ एक बच्चे को संभालते संभालते, तो यूजली हम एडवाइस करते हैं कि ऐसा बच्चा ना पैदा किया जाए, हम उन्हें एडवाइस करते हैं। लेकिन अगेन ये पेरेंट्स के ऊपर होता है कि वो हमारी एडवाइस मानते हैं या वो कहते हैं, बाजू का कहते नहीं, हम लोगों ने पूरी प्रेगनेंसी को जाने देना है और हम लोगों ने बच्चा डिलीवर करना है। ओके, अगर हो भी जाए, ये तो है कि प्रिवेंशन हम प्रिवेंट करा दें। और अब तो आपको पता है कि पाकिस्तान में, पंजाब में एक कानून साजी भी हो गई है कि पहले शादी से पहले दोनों के टेस्ट किए जाएं ताकि इस डिजीज़ को रोका जा सके, इस कदर कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। अगर हो गया वह कोई बात नहीं, अब थैलेसीमिया ट्रीटेबल डिजीज़ है और उसका हल यही है कि हम उसे ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना शुरू करें, ट्रांसप्लांट करें। अदरवाइज अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे थैलेसीमिया के बच्चों का, तो सारी ज़िंदगी खून लगाते लगाते फैमिलीज, बिल्कुल जो अच्छी अच्छी फैमिलीज हो जाए बेचारी मांगने पे आ जाती हैं, इस कदर एक एक्सपेंसिव किस्म के ट्रीटमेंट है और साथ खून लगते लगते कॉम्प्लिकेशन होती चली जाती हैं और मैक्सिमम कोई बच्चा थैलेसीमिया के साथ 15 इयर्स तक जिंदा रहता है और बिलाखिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है अमूमन। हाँ, अगर हम ट्रांसप्लांट करा लें, अमूमन अगर पहले 5 साल में ट्रांसप्लांट करा लिया जाए तो बच्चों का सर्वाइवल रेट up to 80% तक है, यानी कि 100 में से 80 बच्चे ठीक हो जाते हैं थैलेसीमिया के और उन्हें खून की ज़रूरत नहीं रहती और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए थैलेसीमिया कोशिश करें कि बच्चा ना पैदा हो, और अगर हो गया है तो एज सून पॉसिबल उसके ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। तो अगर आप अपने बच्चे के बारे में, उसके खून की बीमारी के बारे में या खुदा ना खास्ता कैंसर के बारे में, या अगर आपकी फैमिली में किसी किस्म की खून की बीमारी या कैंसर है और आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, आप लाहौर में हैं तो आप फिज़िकली भी आ सकते हैं मिलेदी हॉस्पिटल में। अगर आप नहीं हैं या आप लाहौर में हैं भी और नहीं आ सकते किसी वजह से, या मुल्क या दुनिया किसी और हिस्से में हैं, तो आप मोहर्रम के प्लेटफॉर्म से उनसे ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं और हम लोग इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्या इसमें कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत भी है या नहीं है। तो इंशाल्लाह हम आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे और बताएंगे कि क्या बेहतर है आपके बच्चे के लिए।